गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। और आज हमारे बर्ड्स का 14 डेज है, तो सेकंड वैक्सीनेशन हो रहा है। तो सेकंड वैक्सीनेशन दो शेड में हो चुका है, लास्ट तीसरा शेड में चल रहा है। और एक गलती की हुआ है, आज हम लोगों ने बल्ब तो ऑफ कर दिया था, बट जो हम लोग एक साइड करते हैं चिक्स को वैक्सीनेशन देने के लिए, तो मौसम तो मीडियम था इसलिए फैन ऑन नहीं किया था। और सारे बर्ड्स एक जब जगह जमा होते हैं तो हीट हो जाता है, तो ये देखिए हीट का की वजह से दो मॉर्टिलिटी इधर, दो मॉर्टिलिटी इधर, यानी चार मॉर्टिलिटी हीट के वजह से हुआ है। तो जनरली हम लोग करते हैं कि जैसे इस साइड से लेके गए उस बर्ड्स को उस साइड में, तो वहाँ पे हम लोग एक पॉइंट है तो वहाँ पे फैन लगा देते हैं, और फैन से ठंडा हवा रहता है तो वो लोग हीट नहीं होता है। लेकिन आज थोड़ा गलती हुआ इस ब्रूडिंग में, बच्चे हीट हो गए थे, हीट की वजह से देख लीजिए चार मॉर्टिलिटी तुरंत हो गया, हालांकि सारे एक्टिव बच्चे थे। फिर तुरंत हम लोगों ने ध्यान आया कि हीट ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक फैन लगा दिया था, सारे बर्ड्स को जमा इस एक साइड किया और वहाँ पे फैन ऑन करके हम लोगों ने काम किया। उसके बाद फिर बल्ब का हाइट हम लोग थोड़ा ऊपर करके रखे हुए हैं ताकि मेंटेन रहे टेम्परेचर। खैर, बाद बाकी सब ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बर्ड्स फीड इनटेक कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नॉर्मल हैं। कल थोड़ा सा स्पेसिंग हम लोगों को करना होगा, तो नॉर्मली 60% स्पेसिंग हम लोग करेंगे। और अभी तीसरे शेड में वैक्सीनेशन चल रहा है, मेडिसिन मैंने बना दिया है और बंदे जितने स्टाफ हैं वो लोग वैक्सीन डाल रहे हैं। तो और ये मेरा टफी बहुत काम हेल्प करती है चिक्स को डिस्टर्ब करने में, अगर चिक्स एक जगह बैठे रहते हैं तो वो उन्हें डिस्टर्ब करती है बाहर से। देखिए मैं दिखाता हूँ, तो यही वाले ना है? हाँ खोले हूँ, ये वाला पीला बल्ब ऑफ कर दें, इसमें हो गया ना। हाँ गेट बंद, ए नहीं बंद, गरम हो गया क्या? ओ छोड़ दो, उधर डाल दो, उसको अलग बोर्डिंग में डाल देंगे। हाँ कोना में रख, इसको मार देना पहले, लाइम है। टफी बर्ड्स को हका रही है, क्या कर रही टफी? टफी क्या कर रही? पंखा उधर लगा दी, हाँ
ये फैन हम लोग उस साइड लगा दे रहे, यही है दोस्तों। इसी तरह से बस वैक्सीनेशन हो रहा है और वैक्सीनेशन जैसी होगा खत्म, कल थोड़ा सा स्पेसिंग हम लोग 60% कर देंगे और उसी के बाद स्पेसिंग जस्ट हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो ये शेड 3 था, अब शेड 1 का पोजीशन दिखा देते हैं। ये जो ब्रूडिंग में हम लोग भूसा डाले थे, वो भूसा को हम लोगों ने चाल लिया है खाट पे, ये देख सकते हैं खाट, और इसी पे हम लोग भूसा फेंक करके चाल लेते हैं। जो केक बन जाता है उसको हम लोग केक को अलग हटा लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये केक है, ये केक है, तो इसको फेंक देना है। और देखिए वो फ्रेश भूसा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये भूसा फ्रेश है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिक्स करके इसमें डाले हैं, और जो है इधर सूख रहा है, पर्दा गिरने के बाद दोपहर में धूप आता है थोड़ा, तो उस पर सूख जाएगा, और इसी को मिक्सिंग करके हम लोग फ्रेश भूसा में यूज़ करते रहेंगे। तो ये देखिए, इस शेड का वैक्सीनेशन हो चुका है और अभी बल्ब हम लोग डाल रहे हैं, क्योंकि सुबह में ठंड ज़्यादा होता है तो, और स्पेस थोड़ा कम है, तो कल इसका स्पेसिंग हम लोग बढ़ाएंगे और दो दो स्पैन, यानी ये 30 फीट, ये शेड मेरा विड्थ में 30 फीट है, और जैसे मैंने 30x10 का जगह दिया हुआ है, और एक में अप्रॉक्स 1200 बर्ड्स हैं एक स्पैन में। तो अभी इसको कल हम लोग दो दो स्पैन कर देंगे, मतलब 10 फीट है तो 20 फीट कर देंगे, 20x30 में रहेंगे। तो वैसे ही धीरे धीरे हम लोग स्पेसिंग बढ़ाते चले जाएंगे। और ये देखिए, सारे बर्ड्स पानी में निप्पल में लगे हुए हैं, तो ये हैबिटेटेड हो जाते हैं। तो निप्पल में रिजल्ट तो मुझे ठीक ही मिल रहा है। स्टार्टिंग में जब मैं निप्पल लगा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत डराया था कि निप्पल में वेट नहीं आता और ये नहीं आता। इसी फार्म में, इसी निप्पल में मैंने 2 kg 700-600 ग्राम एवरेज वेट निकाला है, और अभी समर का सीजन आ गया है, अब देखता हूँ इस लॉट का वेट कितना जाता है। हालांकि आज जो वेट आया है वो अप्रॉक्स मेरा 460 ग्राम के आसपास आया है 14 डे में, जो कि ज़्यादा है। तो देखता हूँ, 460 ग्राम नहीं, सॉरी 360 ग्राम है, तो थोड़ा सा मतलब एवरेज है, थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए ठीक है। अब तो बाकी रिजल्ट, अब वैक्सीनेशन के बाद जो कल मैं इसे एक्स्ट्रा जी चलाऊंगा, जो विटामिन है वो सुगना का ही एक्स्ट्रा जी आता है, तो अब देखता हूँ कल, कल स्पेसिंग करता हूँ, कल संडे भी है तो सोचा हूँ खुद टाइम दूंगा। और इस साइड का भूसा बचा हुआ है तो इस साइड के भी भूसे को भी चाल के केक अलग कर लूँगा, और इस फार्म की कल जितना भी चिक्स ड्रिंकर फीडर है सबको खोल के हटाना है, और बड़ा वाला फीडर सब में इंस्टॉल करना है। तो कल काम ज़्यादा है, देखता हूँ कितना हो पाता, फिर आपको अपडेट करता हूँ। ओके दोस्तों, फिर गुड नाइट।